खरगोन जिले के बड़वाह को भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सौगात दी है। नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में 4.5 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मंगलवार को खरगोन जिले के बड़वाह पहुंचे, जहां उनका स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर पुष्प मालाओं से स्वागत किया। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़वाह प्रवास के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों का 4.83 करोड़ रुपए लागत के निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक सचिन बिरला, नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता, भाजपा जिला महामंत्री महीम ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत प्रसन्नता है कि बड़वाह नगर पालिका ने बहुत कम समय में विकास के महत्व को समझा और अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया है। आज लगभग 5 करोड़ के काम का शिलान्यास भूमि पूजन भी हुआ है और एक बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम, श्रद्धा का कार्यक्रम। हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय चंद्रकांत गुप्ता जी, जिनको दादा भाई कहते थे, उनकी स्मृति में नगर पालिका परिषद ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नामांकन किया है। मैं नगर पालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि चंद्रकांत गुप्ता दादा भाई जी से हमने भी बहुत सीखा है। हम लोग विद्यार्थी परिषद में के जब काम करते थे, वहाँ वो MBA कर रहे थे उस जमाने, तो हम लोगों की बैठक हुआ करते थे रिकल टागी के पास। वहाँ पर तो रात को आते थे, कैसे संगठन का काम करना चाहिए इसका हमेशा हमको पाठ पढ़ाया करते थे। उनकी स्मृति भी आज यहाँ पर बड़ी पावन हुई, पुष्पांजलि हमने अर्पित की। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राकेश भाई, विधायक सचिन भाई, संगठन के हमारे लाला भाई महीम जी एक टीम की तरह काम करते हैं। और जब संगठन भी सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ बैठकर काम करता है तो परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस दिशा में बड़वाह में काम हो रहा है और मैंने आग्रह भी किया कि इंदौर यदि स्वच्छ हुआ है तो वो 1 साल या 2 साल में नहीं होगा, 2 दशक लगे। हम लगातार वहाँ पर काम करते रहे, जनता से संपर्क करते रहे, जनता का आशीर्वाद लेते रहे, उनसे सहयोग मांगते रहे और एक संस्कार डाल दिया शहर को अच्छा करने का। बड़वाह भी ये जवाबदारी ले सकता है, बड़वाह में भी जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच में जाके प्रतिदिन शहर मेरा है ये एहसास अगर जनता को करा देंगे तो बड़वाह भी इंदौर से श्रेष्ठ शहर हो सकता है। बड़वाह में क्षमताओं की कमी नहीं। मुझे राकेश जी ने और संजय जी ने कुछ जवाबदारी दी है कि बड़वाह की कुछ ऐसी समस्याएं जो भोपाल में बैठकर निपटानी है। मैं इन लोगों के साथ भोपाल जाऊंगा जब भी मुझे समय मिलेगा और अधिकारियों से चर्चा करता बड़वाह की जो विकास में जो बाधक चीज़ें हैं, जैसे जयंती माता मंदिर में रोड का निर्माण, तो उसमें ये जिला बनाना एक थोड़ा सा विषय ऐसा है जिसके ऊपर हमें ऐसे ही खड़े खड़े हम बोल दें उससे नहीं। जिला बनाने के लिए पीछे उसकी सीमा कितनी है, कौन से गाँव आएंगे, किसको क्या फ़ायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा। जैसे छत्तीसगढ़ बनने से भारत मध्य प्रदेश को भी नुकसान हुआ, छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ। कभी कभी इस प्रकार के इमोशनल आंदोलन से क्षेत्र का नुकसान नहीं उसकी चिंता करना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 15 महीने उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या उस पर किया। जब तो मुंह पे ताला लगाया था ट्रांसपोर्ट उद्योग में लगे थे, STI को वहाँ लाओ, उतने पैसे कमाओ, इस इंजीनियर को वहाँ ले जाओ, उतने पैसे कमाओ, तब तो इस धंधे में लगे थे। तब उन्हें जिला बनाने की याद नहीं आई और अब उनके जिला बनाने की याद है। दुर्भाग्य कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत के किसी नेता ने, चाहे विपक्ष का सत्ताधारी नेता, विदेश में जाकर भारत की बुराई कर। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी नेता विपक्ष थे, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। नरसिंह राव जी ने उनसे आग्रह किया कि UN की बैठक का नेतृत्व तो आप करें और
यूएन की बैठक में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत का पक्ष रखा, भारत की जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार उस समय की नरसिंह राव सरकार जी ने जो काम किया था उसके उसका उल्लेख किया, जब बाहर निकले अटल बिहारी वाजपेयी जी तो आपसे से पत्रकारों ने माइक लेके घेर लिया कि आप तो विपक्ष के नेता हैं, पानी पी पी के गाली दे रहे हैं सरकार को, यहाँ सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वहाँ मैं विपक्ष का नेता हूँ, वहाँ मेरे पास मेरी पार्टी राजनीतिक दल का झंडा लेके मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं भारत का झंडा लेके आया, यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और इसलिए भारत की प्रशंसा कर रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी उन्होंने भारत की वहाँ प्रशंसा की। तो वास्तव में राजनीति में प्रजातंत्र के अंदर कहाँ विरोध होना चाहिए ये समझ होना चाहिए। दुर्भाग्य की अभी विपक्ष के पास वो समझ नहीं है कि कहाँ विरोध करना चाहिए। पार्लियामेंट में विरोध करो, देश की सड़कों पर विरोध करो, पर विदेश में जाकर भारत का प्रजातंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में होता तो तुम बोल सकते थे क्या? हमारी आवाज़ तो दबाया जा रहा है, क्या किसी की आवाज़ को दबाई है? पर आप तो पत्रकार हैं, छुटभैया नेता कुछ भी बोलते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगर परिषद के नेताओं, अधिकारियों एवं आम जनता को विकास कार्यों के साथ शहर को स्वच्छ एवं सुंदर कैसे बनाया जाए उसका सबक भी सिखाया। उन्होंने कहा कि इंदौर की तुलना में बड़वाह बहुत छोटा शहर है, आप स्वच्छता में इंदौर को हराकर बड़वाह को नंबर 1 बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।